आपकी पार्टी की तरफ से आपके बड़े पार्टी के अहम ओहदेदार और कुछ जो इस वक्त काबीना में भी लोग हैं उन सब से, बहुतों से, सबसे तो गलत होगा कहना, बहुतों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं और वो कहते हैं जी सियासत जो है उसमें एक बुहरान है, एक बड़ी तुगयानी तो बड़ी छोटी बात है, इट इज़ अ बिग मेजर अपहीवल। और जब उनसे ज़्यादा कुरेदो के जी क्या मतलब क्या, तो वो कहते जो अडियाला में बैठा है उसका एक बड़ा एक मसला है जो कि रिजॉल्व होना है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जब आपने ये बात कही तो ये बड़ी अहम बात समझी गई, क्योंकि यकीनी तौर पे बंद बंद आंख को भी नजर आता है कि इमरान खान इज अ लीडर, यानी जी कि हाँ, टू द एक्सटेंट के लोगों ने उनको उसको वोट दिया है, डिनाई लाखों करने करोड़ों से ने, तो बिल्कुल कुछ नहीं हो डिनाई सकता करने है। से कुछ नहीं होगा। अच्छा साथ ही ये कि राणा सनाउल्लाह साहब जो अब एडवाइजर हैं काबीना में प्राइम मिनिस्टर के, वो भी उन्होंने हर चैनल पे आके कहा है कि बातचीत अब होनी चाहिए, बातचीत इस हद तक उन्होंने कहा कि ये तीन बड़े लीडर हैं जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और इनको तीनों को मिल करके बैठने की ज़रूरत है। तो ये हमें लगता है कि ये आपकी पार्टी में एक सोच बड़ी मुस्तनद हो गई कि जी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये तो इनमें सबसे हमें अहम बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब, खान साहब कहते हैं वी आर ओपन टू डायलॉग और वो मैंडेट छोड़, तो ठीक है वो एक सियासत है, जैसे आपने फरमाया ना, इन्होंने बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने सबने जो बात की, सियासत की भी एक अपनी उसी बहाव में भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि जी हमारे पास कोई आया ही नहीं, कोई इस तरह बात हुई नहीं अभी तक, तो क्या हम कहें, वो खान साहब कहते हैं 18 महीने से हम वी आर रेडी। तो कहने का मतलब ये कि जाहिर है जो लोग, हमें लगता ये है कि जो लोग प्रो पीटीआई हैं वो कहते हैं जी देखें आपने कोई ऑफर नहीं किया, और जो अगेंस्ट पीटीआई हैं वो कहते हैं पीटीआई तो कभी बात नहीं करेगी। तो एक एज अ ऑब्जेक्टिव पोजीशन हम आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिवली कि अगर आपकी पार्टी में, जो हमें लग रहा है जब हम बात करते हैं कि एक सोच है कि डायलॉग खुलना चाहिए, तो एक तो ना टीवी पर बात करना, कोई आप लोगों ने सोचा है कि कुछ कदम उठाया जाए, कुछ किया जाए, कोई स्पेसिफिकली बात की जाए? देखें नसीम, थोड़ा सा मुझे वक्त जी देंगे क्योंकि जरूर आपने मेरा जरूर हुक्म, जरूर मैंने हाउस में ये कहा जो आपने सुनाया, मैं आपसे दोहराना नहीं बहुत चाहता। खुल के मेरा मकसद ये था, और जाहिर है कि ये मेरी जाती राय नहीं है, हमारी पार्टी की राय है। इस राय का इजहार मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को किया जब वो बाहर से तशरीफ़ लाए कि हमें मिलजुल के मुल्क को आगे निकालना है। इसके बाद जब वज़ीर आज़म शाहबाज साहब ने हल्फ उठाया, उन्होंने पहली तकरीर में ये बात की और फिर दोहराते भी रहे। मामला ये है कि मैंने हाउस में ये कहा था कि भाई पीटीआई एक फरीक है, पीएमएलएन फरीक है, पीपल्स पार्टी फरीक है, एएनपी फरीक है, जेयूआई बेशुमार फरीक है, बट सबसे बड़ा फरीक पाकिस्तान है। बेशक तो आए हम पाकिस्तान की खातर जो जहाँ हमारे मुश्तरक कामन निकात हो सकते हैं उन पर मिल बैठते हैं। हाउस के अंदर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, लेजिस्लेशन कैसे होनी चाहिए, तकरीरें कैसी होनी चाहिए, तहमुल बुर्दबारी का कल्चर कैसे हम परवान चढ़ाएं एक दूसरे को, ये चीज़ें तो हम मिल बैठ के तय कर सकते हैं ना। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ये तकरीर की, उस दिन पहले तो आया लीडर ऑफ शिबली साहब का बयान कि जी हमें इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि जी आप सब फौज से भी करें और सब लोगों से करें। उसके बाद रात को एक टीवी चैनल पे आफरीदी साहब, शहरयार आफरीदी साहब ने कहा कि नो वे, मुलाकात मुजाकरात सब कुछ होंगे, आर्मी चीफ से होंगे नाम लेके और डीजीआई से होंगे। वहाँ बात ख़त्म हो गई। अगले दिन एक और बयान आ गया, अगले दिन अली गौहर साहब का बयान आ गया, फिर खान साहब का। आप 7 बयानात अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा जो कंट्राडिक्टरी हैं। अब इस वक्त जहाँ वो खड़े हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं होनी, पीएमएलएन से बात नहीं होनी और एमक्यूएम से बात नहीं होनी, ये उनका अटल मौक़िफ़ है। दूसरा उनका अटल मौक़िफ़ ये है कि जी हमारी बात होनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि उनके लिए बातचीत का जो मैवर है और जो मरकज़ है वो आपकी इकानमी नहीं है, वो सियासी इस्तेकाम नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को ख़त्म करना नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। उनके मुज़ाकरात का एजेंडा है खान साहब के मुकदमे ख़त्म करना, खान साहब को रिहाई दिलाना, खान साहब को बाहर लेके आना, खान साहब को फिर तख्त पे बिठाना, और 180 सीटें जो हमने छीन ली हैं उनसे बकौल उनके, वो वापस उनको देना
और हमारा अपोजिशन पे जाके बैठ जाना और उनका इक्तदार में आना, ये वो ख्वाब हैं जो वो लिए बैठे हैं। तो इन ख्वाबों के होते हुए उन्हें पता है कि जी ना PMLN हमें कुछ दे सकती है, ना शाहबाज साहब दे सकते हैं, वो मुजाकरात नहीं, वो निजात चाहते हैं। निजात जो है वो हम नहीं दे सकते, वो निजात दहिंदा का रुख करते हैं कि कहाँ हम हमें निजात मिलती। बात वो जमहूरियत की करते हैं, गुलामी नामंजूर की करते हैं, और तौक अपना डालने के लिए और रियायतें लेने के लिए और निजात लेने के लिए उसी वो जो कूचा मलामत कहते हैं ना, फिर दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है जो गालिब ने कहा था, तो ये फिर तवाफ़ कुए मलामत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आप भी, मैं जानता हूँ कि शुरू शुरू में PTI की शरीक सफ़र रही, बिल्कुल रही, दो साल रही, दो साल 1997 से 1999। लेकिन मुझे नहीं मालूम नसीम के पूरी 26-28 साल तारीख के अंदर मुफाहमत, गिव एंड टेक, मुज़ाकरात, मामलात की तफहीम, अफहाम व तफहीम, कोई एक भी वाकया इनकी हिस्ट्री में लिखा हो। धरने लातादाद होंगे, मुजाहरे लातादाद होंगे, लड़ाइयाँ लातादाद होंगी, जलसे जुलूस लातादाद होंगे, कंप्रोमाइज और डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए दूसरी जमातों के साथ मिल बैठने का कोई, मुझे तो कम अज़ कम एक इनकी इनकी पूरी तारीख के अंदर वाकया नहीं मिलता। जी मेरा ख्याल है कि शुरू तो किया था एक जिद्दोजहद से कि भाई ये बाकी सब गलत है, उसके बाद यकीनी तौर पे बैठे हैं, ये मियाँ साहब के साथ भी बैठे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी बात की, एक पे ये सिग्नेटरी भी रहे हैं, उसके बाद जब एक पॉइंट पे जो इलेक्शन से 1999 के उसमें भी ये साथ चले, फिर उसके बाद ये जेल में चले गए, बहरहाल वो लंबी तारीख है।